हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल हाथ का हुनर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रेशर कुकर में दम आलू बनाने का तरीका। प्रेशर कुकर में बहुत ही आसानी तरीके से बनाएंगे दम आलू आज, तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दम आलू मटर बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बेबी पोटैटोज। तो बेबी पोटैटो हमने 8 से 10 लिया है, अगर आपको ज़्यादा लगता है तो आप ज़्यादा भी लें। हम इसे छील लेंगे और छील करके जैसे मैं वीडियो के हेल्प से बता रही हूँ वैसे आपको करना है। तो मैंने लिया है नूडल्स वाली चम्मच, जिसे हम फॉक कहते हैं, तो आप इसे पेनिट्रेट कर ले, छेद कर ले, ताकि इसके अंदर रस और नमक अच्छे तरीके से चला जाए। एक एक करके सारे आलू को हम पेनिट्रेट कर लेंगे और उसे साइड में रख देंगे। आलू को एक प्लेट में रख लेंगे। अब हमने लिया है 4 मीडियम साइज के प्याज, और प्याज को हमने बारीक काट ली है। 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिसको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। दम आलू मटर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप ताजे हरे मटर। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। हमने बोला था प्रेशर कुकर में हम दम आलू मटर बनाएंगे, तो हमने एक प्रेशर कुकर गरम किया है, उसमें हम 2 बड़े चम्मच तेल ऐड करेंगे और तेल को गरम होने देंगे। दम आलू मटर की ये पूरी रेसिपी आज हम प्रेशर कुकर में ही बनाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। हमने जो आलू छील करके रखा था उसे हम तेल गर्म होने के बाद प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे, और इसे तब तक फ्राई करना है जब तक कि ये ब्राउन ना हो जाए। आलू के हर एक साइड को हमें यूनिफॉर्मली पकाना है। आलू जब अच्छे से पक जाए तो हम इसे अब एक प्लेट में निकाल लेंगे और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। तड़का लगाने के लिए हमने कुछ स्पेशल इंग्रेडिएंट्स लिया है, जैसे कि तेजपत्ता, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 खड़ी लाल मिर्ची और दालचीनी का टुकड़ा, बड़ी लौंग और बड़ी इलायची। तेल गरम ही है, हम इसमें अब तेजपत्ता ऐड करेंगे और तेजपत्ता को अच्छे से पकाएंगे। जो हमने गरम मसाले का इंग्रेडिएंट्स लिया है अब सारा उसमें डाल देंगे, सभी को चटकने तक पकने देंगे। जब सभी मसाले अच्छे से पक जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी मेथी के पत्ते। अगर आपके पास मेथी के पत्ते ना हो तो आप इस स्टेप को स्किप करें। फिर मैं ऐड करूंगी खड़ी लाल मिर्च और बारीक कटे हुए प्याज जो हमने रखे थे, वो सारे प्याज हम इसमें ऐड करेंगे। प्याज को जल्दी पकाने के लिए हमने ऐड किया है 1/2 टेबल स्पून नमक। नमक डालने से प्याज जल्दी पक जाती है। नमक डालने के बाद हमें 3 से 4 मिनट तक प्याज को पकाना है, जब तक कि प्याज बिल्कुल सॉफ्ट ना हो जाए। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 कप फ्रेश मटर, और मटर को भी 3 से 4 मिनट तक पकाना है। इसी तरीके की रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर दें। इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। अब इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, फिर मिलाएंगे कुछ मसाले, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। नमक हमने 2 छोटे चम्मच यूज किए हैं। 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। सभी मसाले को मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट तक भूनना है, जब तक कि इसका रॉ स्मेल खत्म ना हो जाए। 2 से 3 मिनट बाद ऐड करना है बेबी पोटैटोज जो हमने तल के रखा था। फिर ऐड करेंगे इसमें 1/2 कप वाटर, 1/2 कप पानी ऐड करने के बाद मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 5 से 7 मिनट तक इसे पकाएंगे। 5 से 7 मिनट बाद इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, और गरम मसाला ऐड करने के बाद 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे। फिर ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी धनिया। प्रेशर कुकर में कम समय में टेस्टी दम आलू मटर बनके तैयार है। आप भी ये रेसिपी अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी तरीके की रेसिपीज मैं आपके लिए लाती रहूंगी।
दम आलू मटर को आप रोटी चावल या पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। हमने सिर्फ स्टीम राइस के साथ इसे सर्व किया है। बहुत ही टेस्टी ये दम आलू बनता है। आप अपने घर पे जरूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। मेरे चैनल पे बने रहें, इसी तरीके की रेसिपीज आपको मिलते रहेंगी।